नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं, मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में नेता एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को अपनी ओर खींचने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस विपक्षी नेताओं को अपने साथ लाने के लिए हर वो कदम उठा रही है जिससे वो 24 के रण को जीत सके। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्ष एक्टिव है और 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है। 2024 के आम चुनाव से पहले एक होने के लिए हाथ पांव मार रहे विपक्ष के लिए 17 से 18 जुलाई की तारीख काफी अहम है, क्योंकि बेंगलुरु में इन दोनों तारीखों में विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ रणनीति मंथन चिंतन सब कुछ कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि 2024 में मोदी के खिलाफ कौन होगा, एनडीए वर्सेस पीडीए की फाइट में कौन होगा टाइट। इसी मुद्दे पर होगी आज की बड़ी बहस, और बड़ी बहस में सवाल होंगे जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा। तो 24 पार्टियां, 6 एजेंडे और 24 की जीत, नीति बैठक के लिए एजेंडा और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय किया गया है, ताकि इस बार विपक्षी एकता की दशा को में और ठोस फैसला लिया जा सके। बीते महीने जून में पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक नीति तैयार होने के हिसाब से जो बेनतीजा रही, और इस दौरान बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल हुए दलों के बीच किसी भी तरह की आम सहमति नहीं बन पाई थी। अब इस लिहाज से आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस बैठक में पिछली बैठक के मुताबिक थोड़ा इंतजार भी करना होगा और अंतर भी होगा। तो चलिए आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि आखिर पहले और अब के बैठक में क्या कुछ अंतर है। तो ये पहले बैठक में 15 दल शामिल थे, और दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक में 24 दलों के नेता शामिल हैं। इसके अलावा अब बात किया जाए तो इस बार पहली बैठक में नीतीश लीड कर रहे थे, लेकिन इस बार की अगर बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक को सोनिया गांधी लीड कर रही है, यानी सोनिया गांधी लीडर है। और इस पहली बैठक में अध्यादेश की बात किया जाए, पहली बैठक में अध्यादेश पर कांग्रेस चुप थी, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी दूसरी बैठक में अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ है। यानी अब सवाल इस बार उठेंगे कि आखिरकार क्या होगा, यानी सारे विपक्षी एक हो जाएंगे, क्या एनडीए को रोक पाएंगे। सवाल गंभीर है, क्योंकि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ पीडीए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी दिखाते हैं कि बैठक में कौन कौन नेता और कौन कौन से दल शामिल होंगे। चलिए ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चंद सेकेंड में फ्लैश होगी, इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राहुल गांधी वहां पर होंगे, और बात किया जाए इनके अलावा राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी बैठक में कौन कौन चेहरे शामिल हो रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी भी होंगी, टीएमसी से हैं ममता बनर्जी। और इसके अलावा अगर बात किया जाए नीतीश कुमार, देख लीजिए नीतीश कुमार किस तरीके से जेडीयू से हैं, और इसके बाद अगर केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, और इसके अलावा बड़े चेहरों की बात करें तो डी राजा सीपीआई नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे इस बैठक में। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव मौसम को संभाल लेते हैं। चलिए तो सवालों की बौछार करें, उससे पहले आपको सुनाते हैं विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है। कैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो विपक्षी नहीं रहने की सोच, वो जो बहुत ही गलत गैर कानूनी संविधान के खिलाफ है, तो इसलिए आज सोनिया जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगभग 23 पार्टियों को आमंत्रण दिया है, सभी नेता लोग आ रहे हैं। तो एक चरित्रात्मक समावेश होगा, और अगले बदलाव की 24 की बदलाव, देश की बदलाव के लिए ये एक फाउंडेशन बनेगी। ये चिंता है भाजपा की, दीवार पर लिखी हुई भारत साफ पढ़कर पराजय, 62% विपक्ष सामने जनता के साथ खड़ा है, और इधर कौन से ऐसे ऐसे दल इसमें शामिल हो रहे हैं जिनके दफ्तर में साइन बोर्ड ही नहीं, जिनके दफ्तर में कोई जन समर्थन नहीं है। वो हैं
जो कल तक गाली देते थे, हम मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में कुशवाहा जी कहते थे कि अगर भगवान ऊपर से आके कह दें तो भी मैं कभी भाजपा में दोबारा नहीं जाऊंगा। उसमें वो भी हैं जो कहते थे कल तक मेरा इशारा सीधे पवार साहब की तरफ है कि उनको भोपाल में कहा 70,000 करोड़ का लुटेरा और उन्हीं को फिर तोड़ के अपने साथ मंत्रिमंडल में शामिल करके जिसको आप 70,000 करोड़ का लुटेरा बता रहे हैं उसी के हाथों में महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय दिए दे रहे हैं। ये दिखाता है निराशा हताशा भाजपा की। अपोजिशन आए कहां से उनके पास, सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है। तो मेरे से मैं एक ही काफी हूं बोले तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे, और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप, वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में क्या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है, क्या यूं ही बुला रहे सबको, तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं, हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं। पूरा अकाल की स्थिति है, किसान बहुत तकलीफ में है, लोग तकलीफ में है, महंगाई बढ़ गई है, हमारा शांतता सुव्यवस्था जो है वहाँ पूरे राज्य की खराब हो गई है, मुद्दे ही मुद्दे। ठीक है, एनडीए की बैठक भी प्रस्तावित है जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है, और एनडीए में तो अभी भी गठबंधन है उन पार्टियों का, पहले से साथ है, और जो साथ चल रही है उनके समर्थन से चल रही सरकार वो उसके खिलाफ जनमत तैयार है, पूरी अच्छी तरह से तैयार है, और विपक्षी एकता में जो विपक्ष के जो वोट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ते हैं वो इतर उतर होने के बजाय एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ सिंगल कैंडिडेट खड़ा करके विपक्षी तरफ से, तो 100% 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। चलो।